अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बीफ मैक्रोनी, जिसको आप गुलाश भी कह सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है, और बीफ कीमा लिया है 250 ग्राम्स। अब इसको अच्छे से ऑयल में भुनेंगे। ये आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम भूनते जा रहे हैं, कीमा अपना पानी छोड़ता जा रहा है। हमने इस पानी को ड्राई करना है। पानी उसका आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होता जा रहा है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़ा प्याज चॉप किया हुआ, 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आपने बस इसका पानी फुली ड्राई करना है। अब आप देख सकते हैं इसका पानी बहुत ड्राई हो चुका है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। और 1 टीस्पून ड्राई ऑरिगेनो। अब इसमें जाएगा 250 ग्राम्स टोमेटो प्यूरे। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास टोमेटो प्यूरे ही हो, आप टोमेटो प्यूरे ही यूज़ करें। आप इसमें डाइस करके टोमेटोज भी डाल सकते हैं। साथ में इसमें जाएगा 1/2 कप पानी का। अब इसमें इसका एक मेन इंग्रेडिएंट जाएगा, सोया सॉस। सोया सॉस चाहिएगा इसमें 1 टेबल स्पून। अब इसको हम कवर करके 5 मिनट के लिए लो से मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। इसका पानी अब हम लोग ड्राई नहीं करेंगे, सिर्फ इसको फ्लेवर के लिए कुक करेंगे। और इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून टोमेटो पेस्ट और 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा पानी है और ना बहुत कम है, लेकिन इसकी एक फॉर्म ऐसी है, ग्रेवी ग्रेवी सी है, लिक्विडी फॉर्म है। तो इसमें जाएगा अब मैक्रोनी। 200 ग्राम्स में लिया मैक्रोनी हो जाएगी। मैं एल्बो मैक्रोनी यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी पास्ता यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। मेनली वैसे एल्बो मैक्रोनी इज बेस्ट, रेसिपी में वही ज्यादा यूज होती है। और एंड पे इस पे जाएगा 1 कप चीज का। आप कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मोज़रेला चीज यूज कर रही हूँ, लेकिन आपको जो भी पसंद हो आप वो यूज कर सकते हैं। और बस हम इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए कि चीज मेल्ट हो जाए। चूल्हा हम लोग बंद कर देंगे। बस ये आप देख सकते हैं डिश आउट होके कितनी ये खूबसूरत डिश बनी है। और आप इसको ट्राई करेंगे तो बहुत यम्मी होगी, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।